प्रश्न संख्या 5, सिद्ध करें कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न 5, तो हम लिखेंगे, माना कि माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या तो 5 - 2√3 को एक परिमेय संख्या आर मान लेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 - 2√3 बराबर आर, यानी 5 - 2√3 को एक परिमेय संख्या आर मान लिए हैं, तो 5 - 2√3 बराबर आर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो या 5 - r बराबर 2√3, इस तरह इसको लिख लेंगे। r को दायां से बायां तरफ करेंगे तो -r, और -2√3 को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो 2√3 यानी प्लस में हो जाएगा। तो 5 - r बराबर 2√3, ठीक है? तो इसको हम पहला लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे, यहां 5 - r 2 परिमेय संख्याओं का अंतर है। दो परिमेय संख्याओं का अंतर है, अतः यह परिमेय संख्या है। अतः यह परिमेय संख्या है, यानी 5 - r, देखिए 5 भी परिमेय है और r भी क्या है, परिमेय है, क्योंकि r को परिमेय हम माने हैं, ठीक है? तो 5 - r परिमेय है, तो इसका अंतर भी परिमेय होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ 5 - r 2 परिमेय संख्याओं का अंतर है, अतः यह परिमेय संख्या है। तो अतः पहला से पहला, यानी इसको माने थे पहला, तो पहला से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। तो पहला से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यानी यह परिमेय है और 2 - 2√3 क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो असंभव है, यानी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या यह असंभव है। तो लिखेंगे, जो असंभव है, तो अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अर्थात यानी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या यह असंभव है, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है, यानी हम जो माने हैं वह गलत है। 5 - 2√3 बराबर परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए यहां पर लिखें, अतः हमारी मान्यता गलत है। तो लिखेंगे, अर्थात अर्थात
पांच माइनस दो रूट तीन परिमेय परिमेय नहीं है, इसलिए अपरिमेय है। तो पांच माइनस दो रूट तीन क्या है? परिमेय नहीं है, तो क्या है? अपरिमेय है। तो यही सिद्ध करना था कि पांच माइनस दो रूट तीन सिद्ध करें कि पांच माइनस दो रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, तो इस तरह इसको सिद्ध कर लेंगे। प्रश्न छह, सिद्ध करें कि पांच बटा रूट सात एक परिमेय संख्या नहीं है। तो प्रश्न छह में हम लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि पांच बटा रूट सात परिमेय संख्या r है, यानी अगर संभव हो तो पांच बटा रूट सात को परिमेय संख्या r मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे पांच बटा रूट सात बराबर r। तो ये क्या हो जाएगा? पांच बटा रूट सात बराबर r हो जाएगा, पांच बटा r बराबर रूट सात, r को इस तरफ लाएंगे, ठीक है। देखिए रूट सात भागा में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और r को इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी पांच बटा आर बराबर रूट सात इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो पांच बटा आर बराबर रूट सात को पहला लिख लेंगे, तो हो जाएगा, अब लिखेंगे, अब पांच बटा आर यानी आर शून्य के बराबर नहीं है। तो पांच बटा आर को इस तरह, पांच बटा आर में आर क्या है? शून्य के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे, आर जो है शून्य के बराबर नहीं है, एक परिमेय संख्या है। तो पांच बटा आर एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह दो परिमेय संख्या पांच और आर का भागफल है, क्योंकि यह दो परिमेय संख्या पांच और आर का भागफल है। तो पांच बटा आर क्या है? परिमेय संख्या। पांच बटा आर परिमेय संख्या है, तो हम इस तरह लिख लेंगे, पांच बटा आर, जहां की आर शून्य के बराबर नहीं है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह दो परिमेय संख्याओं पांच और आर का भागफल है। अतः पहला
से परिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि असंभव है। तो पहला से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, देखिए ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अर्थात पांच बटा रूट सात परिमेय नहीं है, इसलिए अपरिमेय है। तो पांच बटा रूट सात परिमेय नहीं है, तो यही सिद्ध करना था कि पांच बटा रूट सात एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अर्थात पांच बटा रूट सात परिमेय नहीं है, इसलिए अपरिमेय है। तो इस तरह इसको हल कर लेंगे।